हेलो दोस्तों, मैं परी चौहान। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आप लोगों की सेवा में मैं फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आज यहाँ पे दूंगी। इंडीड आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू गिव द आंसर्स, कि मैं आप लोगों के आंसर्स दे पाऊंगी, इसलिए मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। कोरोना की बात करें तो अभी हमारे देश में कुल आंकड़े संक्रमित लोगों के 31,000 हैं और खुशी की बात यह है कि वी सीम टू बी डूइंग वेरी गुड जॉब। रिकवरी रेट हमारी जो 24% है वो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 24.5% कुछ रिकवरी रेट है, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना में। खुशी की बात यह है कि हमारे देश में सच्चाई है और हमारे देश के लोगों के अंदर वो जुनून है कि हम उससे फाइट कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम कोरोना से फाइट कर पा रहे हैं। और जहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, उनका सवाल आता है, तो सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी की समस्या बताई जा रही है आजकल, और देश के जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही क्वार्टर में पूरी तरह डगमगा चुकी है। बहुत सारे देशों का यही हाल है, अर्थव्यवस्था इज कम्प्लीटली यू नो डिवोस्टेटेड, और 4% की कुछ गिरावट है अर्थव्यवस्था में। और सरकार ने तो जो राजनीति चल रही सरकार की, खासकर मजदूरों पे, जनवरी में जो 4% का उन्होंने महंगाई भत्ता दिया था वो वापस ले लिया गया है, महंगाई भत्ता वापस ले लिया गया है। करीब सरकारी कर्मचारी जो है 54 लाख सरकारी कर्मचारी है इसमें, और 60 लाख पेंशन कर्मचारियों से ये वेतन वापस लिया गया है, जो कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ, हालांकि हमारे देश में हुआ है। और मजदूरों को हमेशा ही राजनीति का शिकार बनना पड़ा है, जैसे कि हम जानते ही हैं, मजदूर हमेशा ही राजनीति का शिकार बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हमने की थी, हमें टेस्टिंग की आवश्यकता है। हालांकि कोरोना के पेशेंट्स को ढूंढ ढूंढ के निकालना और उनका टेस्टिंग कराना, या ऐसे भी टेस्टिंग कराना, या कुछ एंटीबायोटिक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में डाली जाती है, उस तरह से एंटीबॉडीज़ हम या इस तरह की कोई टैबलेट्स देना या टेस्टिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और टेस्टिंग जो हमारे देश में इतनी नहीं है, दूसरे देशों में ढूंढ ढूंढ के टेस्टिंग कराई जा रही है लोगों को, जो क्वारंटाइन किया जा रहा है ढूंढ ढूंढ के, हमारे देश में हालांकि ऐसा नहीं है। तो हम इतने उसके साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कह पाएंगे कि हमारे देश में कोरोना के हालचाल कैसे है, या जो फिगर्स हमारे पास में और जो रिकवरी रेट्स के सारे फैक्ट्स हमारे पास में, वेदर दे आर ट्रू और नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज वही टेस्टिंग की कमी है, उतने टेस्टिंग किट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और भी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे बेरोजगारी की समस्या है और जो भी अर्थव्यवस्था की समस्या है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि दूसरे देशों में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है कोरोना के चलते। तो हमारे देश के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, या जो लोग हमारे देश के लोग जो बाहर विदेशों में अपने आप को सेटल करके रखते हैं, उनके ऊपर अगर बेरोजगारी की समस्या आएगी, तो क्या हमारी सरकार के पास में ऐसे प्लान्स हैं कि हम इस बेरोजगारी की समस्या से फाइट कर सके, बेरोजगारी की समस्या से हम लड़ सके? ऐसी हमारे पास में कोई ठोस बुनियादी व्यवस्था, जिसको कहते हैं कोई ब्लूप्रिंट व्यवस्था, हमारे पास में है या नहीं है? अगर है तो सरकार बताती क्यों नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास ऐसी ब्लूप्रिंट व्यवस्था है, ब्लूप्रिंट है, तो हमें बताया क्यों नहीं जाता? सरकार क्यों ये नहीं बताती कि क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी व्यवस्था चल रही है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। और हमारी सरकार ने फिर मजदूरों को सहानुभूति देने की कोशिश की है, सहानुभूति ये है कि मजदूरों को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं। तो मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी सरकार का, कि अगर आपको खाना चाहिए, खाना है आपको, राइट, तो आपको मेरे ख्याल है एक साफ़ सुथरे पानी की आवश्यकता है, जो बहुत सारे मजदूरों के घर पे साफ़ सुथरा पानी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं विलेजेस में, आप जाइए आप देखिए, लोगों के पास में पानी भी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी अगर आपके पास में नहीं होगा तो आप कैसे उसको खाने में यूज़ करेंगे, आप गंदे पानी को हाथ कैसे धोएंगे? कोरोना में हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू वॉश योर हैंड्स व्हेन यू डोंट हैव क्लीन वाटर कमिंग टू योर हाउस? तो इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी सरकार को कि सिर्फ 5 किलो चावल से और गेहूँ से
खाना नहीं बनता, मिर्च मसाले और भी सब्जियां लगती हैं जिसके पेड़ मजदूरों के घर पे लगाए जाए।